धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। इससे पहले कि आज की लव से लबालब इमोशनल स्टोरी में आप लोग खो जाएं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक, ताकि हमारा दिल भी धड़कता रहे। साथियों, आज की जो कहानी है ये आज से 20 साल पहले शुरू होती है। बाबा विश्वनाथ की धरती वाराणसी, जहाँ पे BHU नाम का जो विश्वविद्यालय है, वहाँ पे पटना का रहने वाला राहुल सिंह नाम का लड़का पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए आता है, और वहीं पर एक गोरखपुर के रहने वाली बेहद खूबसूरत वंदना नाम की लड़की भी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए आती है। फिर उसके बाद दोनों में बातचीत होती है, धीरे 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 नैना चार हो जाता है, और नैना चार धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है, और ये प्यार धीरे धीरे हद से भी गुजर जाता है। तो एक दिन पार्क में वंदना और राहुल बैठे होते हैं बाहों में बाहें डाल करके, तभी वंदना राहुल से कहती है कि राहुल, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। राहुल कहता है, बोलो ना यार, क्या बात है? तो वंदना कहती है, तुमने वो कुमार सानू जी का गाना सुना है? तो राहुल कहता है, अरे सुनाओगे तब ना। तो वंदना वो गाना गा के सुनाती है, संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को, जुबां पर तेरा फिर भी नाम आ रहा है, जहां राज को छुपाया न जाए, मोहब्बत में ऐसा मकाम आ रहा है। फिर वंदना राहुल से पूछती है कि कुछ समझ में आया? तो राहुल कहता, नहीं यार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। अरे पहेलियाँ मत बुझाओ यार, सच सच बताओ, क्या बात है? तो वंदना कहती है, राहुल, हमारा और तुम्हारा प्यार सच्चा है, हम दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। राहुल कहता है, हाँ ये तो सच है, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। तो वंदना कहती है, तो तुम्हारी मोहब्बत और मेरी मोहब्बत मेरे पेट में पल रही है, यानी मेरे गर्भ में 2 महीने का बच्चा है। जब ये बात वंदना राहुल को बोलती है तो राहुल वंदना को ऊपर से नीचे तक बड़े गौर से देखता है। तो वंदना कहती है राहुल से, क्या देख रहे हो? राहुल कहता है, कुछ नहीं, और चेहरे पे मुस्कान लेकर के बोलता है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। वंदना कहती है, खुशी की तो बात है यार, लेकिन मैं एक और बात कहना चाहती हूँ। राहुल कहता है, बोलो ना। तो वंदना कहती है कि क्यों ना हम दोनों शादी कर लें राहुल, क्योंकि कुछ ही दिन महीनों के बाद हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा, और जब हमारा बच्चा दुनिया में आ जाएगा तो मैं क्या जवाब दूंगी किसी को कि आखिर किसका बेटा है, तुम्हारा पति कौन है, इसका बाप कौन है? ये सारे सवाल मुझे बड़े परेशान कर रहे हैं राहुल, चलो हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। राहुल कहता है, पागल हो गई है तू? अरे हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, तू डरती क्यों है? मैं तुझसे ही शादी करूँगा, चिंता क्यों करती है? अरे पगली, हमारा बच्चा तो ये पेट में पल रहा है ना, पलने दे इसे, जिस दिन ये दुनिया में बाहर आएगा इसको भी मैं गोद में लेकर के बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जा कर के उसके सामने हम तुमसे शादी करेंगे, हम दोनों शादी के बंधन में बंधेंगे। अभी हम लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है, अभी हम लोग थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करते हैं, फिर उसके बाद मैं तुमसे शादी करूँगा वंदना, तू चिंता क्यों करती है? वंदना बड़ी खुश हो जाती है, फिर दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं, फिर अपना पढ़ाई लिखाई करने लगते हैं। फिर समय बीतता है, और समय बीतते बीतते 2 से 4 महीना हो जाता है, 4 से 6 महीना, और 6 से 8वां महीना आ जाता है। अब वंदना का पेट दिखने लगा था। अब एक दिन सुबह सुबह का समय था, जिस दिन वंदना तैयार होकर के यूनिवर्सिटी जाने ही वाली थी कि तभी उसे अपने बैग में एक लेटर मिलता है। जब उस लेटर को वो खोलती है, उस पत्र को खोलती है, तो उस पत्र को खोलने के बाद उसमें जो लिखा होता है उसे पढ़ती है, तो पैरों तले ज़मीन नहीं और सर पे आसमान नहीं, ऐसा कुछ हो जाता है, और वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ती है और फूट फूट कर रोने लगती है,
उसको कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। उस चिट्ठी में लिखा था कि वंदना मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी से सदा सदा के लिए जा रहा हूं, और हाँ, अगर तुम्हें समाज में अपना लोक लाग बचाना है तो तुम अपने बच्चे का अबॉर्शन करवा दो और मुझे खोजने की कोशिश मत करना, मैं ए यूनिवर्सिटी और तुम्हारे साथ को तुमसे सदा सदा के लिए मैं दूर जा रहा हूँ। ये सब वंदना जब पढ़ती है तो पागल सी हो जाती है, बिल्कुल उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, जिससे मैंने इतना बे इंतहा मोहब्बत किया, जिस पे इतना भरोसा किया, पूरी दुनिया से लड़ गई जिसके लिए मैं, किन 8 महीने तक इस बच्चे को मैं अपने गर्भ में पालती रही और ये लास्ट में मुझे धोखा देकर चला गया, अब मैं क्या करूं। और उसके बाद उसकी एक सहेली होती है, फिर वो अपने शाम को सहेली के पास जाती है और जा करके ये पूरी सच्चाई बताती है कि ऐसा ऐसा हो गया, अब मैं क्या करूं। सहेली वो सब कुछ जानती थी इसके लव स्टोरी के बारे में, इसके पेट में पल रहे बच्चे के बारे में। तो वंदना उस सहेली से कहती है, उसका नाम होता है निर्मला, निर्मला से कहती है कि दोस्त तू मुझे एक काम कर, कुछ जहर ला के दे दे, मैं मर जाऊँ, क्योंकि मेरा अब दुनिया में जीने का कोई हक नहीं, मैं दुनिया के सामने क्या मुंह दिखाऊंगी, और ये मेरा पेट में पल रहा 8 महीने का बच्चा और वो राहुल मुझे इस तरह से धोखा देकर भाग जाएगा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तो निर्मला उसे बहुत समझाती है लेकिन वो समझने की कोशिश नहीं करती और कहती है नहीं, मुझे अब मरना है, तो या तो मुझे जहर दे दे या तो मुझे कुछ भी करके मुझे मार डाल, मैं अब जीना नहीं चाहती। तो निर्मला उसे एक बात समझाती है, बड़े प्यार से समझाती है, और वो बात उसे समझ में आ जाती है कि 1 महीने की ही तो बात है, 1 महीने बाद तुम ऐसा ऐसा करना, और जब ऐसा ऐसा करोगी तो तुम समाज में मुंह दिखाने के काबिल भी रहोगी, तुम्हें कोई कुछ कहेगा भी नहीं। फिर वंदना उस बात को समझ जाती है, कहती है ठीक है। फिर धीरे धीरे 1 महीना गुजरता है और महीने के बाद वो दिन आता है जिस दिन इसका प्रसव पीड़ा शुरू होती है, और बनारस में ही राधे नर्सिंग होम में इसे भर्ती कराती है उसकी सहेली, और वहाँ पे एक सुंदर से बच्चे को जन्म देती है वंदना। और ताकि वंदना का रो रो कर इतना बुरा हाल हो गया था, इसलिए वंदना बड़ी कमज़ोर हो गई थी, तो डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हें 2-4 दिन रहना पड़ेगा। पूरे 5 दिन के बाद जब 6वां दिन आता है तो वो हॉस्पिटल से शाम के टाइम वो दोनों सहेलियाँ निकलती हैं उस प्यारे से नन्हे से बच्चे के साथ, और लंका के लिए एक ऑटो पकड़कर चल देती हैं। जैसे ही लंका से 200 मीटर की दूरी पर रहती हैं तो निर्मला कहती है ऑटो वाले से कि भैया ऑटो रोक दीजिए और ये अपना पैसा पकड़िए, आप जाइए, और वो दोनों वहीं पर उतर जाती हैं। बगल में एक नाला बह रहा था और उस नाले के पास जाती हैं और जा करके निर्मला वंदना से कहती है कि क्या सोच रही है, इस बच्चे की गर्दन मड़ोर दे और उसके बाद उठाकर इस नाले में फेंक दे, सदा सदा के लिए आफत ख़त्म, अब तू भी आज़ाद हो जाएगी, समाज में जैसे तू पहले रहती थी वैसे रह पाएगी, सारा का सारा तेरा टेंशन ख़त्म हो जाएगा। वंदना कभी निर्मला को देखती है, कभी अपने प्यारे से नन्हे से बच्चे को देखती है, कभी उसकी चमचमाती आँखों को देखती है, कभी अपनी सहेली को देखती है, और कुछ निर्णय नहीं ले पा रही थी। तो निर्मला कहती है कि देख, 1 महीने पहले तुझे मैंने समझाया था, तू इसी बात पे मान गई थी कि हाँ बच्चा पैदा होने के बाद मैं उसे नाले में फेंक दूँगी और सदा सदा के लिए सारा मामला ख़त्म हो जाएगा और मैं फिर से वैसी ज़िंदगी जीने लगूँगी, इसी बात पे तू 1 महीने तक थी, और आज क्या हो गया तुझे, क्या सोच रही है। मैं समझ गई, निर्मला कहती है मैं समझ गई, ये काम तुझसे नहीं होगा। और जैसे ही निर्मला वंदना के बच्चे को लेने के लिए वंदना की तरफ हाथ बढ़ाती है, वंदना निर्मला के हाथ को पकड़ लेती है और पकड़ करके आँख में आंसू लेकर के कहती है कि दोस्त निर्मला ऐसा मत कर यार, आखिर इस मासूम से बच्चे का इसमें क्या दोष है,
प्यार मैंने किया, गलती मैंने की, पाप मैंने किया, और उस पाप का सजा इस 6 दिन के मासूम से बच्चे को मिले, ये कहाँ का न्याय है? ऐसा मत कर यार, मत कर। कुछ और दूसरा रास्ता निकाल जिससे कि ये बच्चा भी इस दुनिया में रहे और मेरी लोक लाज भी बच जाए। कोई और उपाय निकाल यार। जब इस तरीके से वंदना अपनी सहेली से कहती है तो उसकी सहेली कुछ टाइम सोचती है, फिर सोच करके कहती है, ठीक है चल मेरे साथ, और निर्मला वंदना को लेकर के चल देती है। जब चल देती है तो फिर वो चलते चलते पहुँचते हैं काशी विश्वनाथ के मंदिर पर। वहाँ मंदिर पे पहुँचते हैं, लगभग 9-10 बज चुके थे रात, और जा कर के एक बूढ़ा माली होता है, अपना माला फूल का पूजा पाठ के सामान का दुकान होता है छोटी सी, वहाँ पे जा कर के अपना सैंडल वगैरह निकालती हैं सब, अपना जो है बैग रखती हैं वहीं पे, पर्स रखती हैं, और कहती हैं, बाबा 100 रुपये का प्रसाद बांध दीजिए, हम लोग दर्शन करने आए हैं। माली प्रसाद बांध देता है और वो दोनों जो है दर्शन करने के लिए जैसे ही 2-4 कदम आगे बढ़ाती हैं, तब तक निर्मला कहती है, बाबा देखिए मेरा यहाँ पे हम लोगों का चप्पल है, यहाँ पे हम लोगों ने पर्स रखा हुआ है आपकी दुकान पे, क्यों ना ये मेरा बच्चे को थोड़ा सा आप देखते रहिए, मैं यहीं पे सुला देती हूँ और हम लोग आते हैं, अभी पूजा करके आते हैं। तो बूढ़ा माली सोचता है कि ठीक ही तो कह रही हैं सब बच्चियाँ, ठीक है बेटा अपने बच्चे को यहीं बगल में सुला दो, मैं देख रहा हूँ, जाओ तुम लोग पूजा करके आओ। ये दोनों सहेलियाँ बच्चे को वहाँ बगल में माली के सुला देती हैं और धीरे से बाबा विश्वनाथ के मंदिर की तरफ चल देती हैं। जा करके दूसरे गेट से धीरे से निकल करके भाग जाती हैं, और इधर ये बेचारा माली इंतज़ार कर रहा होता है कि वो दोनों बेटियाँ अभी तक आई नहीं, जिन्होंने अपने छोटे से प्यारे से, अभी मुश्किल से माली सोच रहा था कि 1-1.5 हफ्ते का बच्चा है, इसे छोड़कर गई हैं, आखिर क्या हुआ अभी तक ये लोग आई नहीं। घंटे बीत जाते हैं, 2 घंटे बीत जाते हैं, फिर उसके बाद माली की जो पत्नी थी वो खाना वाना लेकर आती है और देखती है कि यहाँ चप्पल पड़ा हुआ है, यहाँ बैग रखे गए हैं, एक छोटा सा 1 हफ्ते का बच्चा है, तो पूछती है कि आखिर ये क्या माजरा है। तो बूढ़ा बताता है कि देखो 2 घंटे हो गए, 2 लड़कियां आईं और वो लोग पूजा करने अंदर गई हैं, अभी तक लौट के नहीं आई, तुम जरा इस बच्चे को देखती रहो, मैं अंदर मंदिर से पता करके आता हूँ कि आखिर क्या बात है, कहाँ हैं वो लोग। और ये बूढ़ा माली अंदर मंदिर जाता है, मंदिर में जा कर के जब चारों तरफ खोजता है, देखता है, ढूंढता है, इधर उधर पूरा मंदिर खंगाल डालता है, लेकिन कहीं भी वो दोनों का आता पता नहीं चलता। तो वो सब कुछ समझ जाता है कि कोई अपने पाप को छोड़कर चला गया। आता है अपने पत्नी को जब बताता है बूढ़ा माली, तो पत्नी उसको बहुत डांटती है, फटकारती है कि बताओ अब पुलिस आएगी, पूछेगी, क्या बताओगे, क्या होगा, इस छोटे से एक हफ्ते के बच्चे को तुमने ले लिया, इतना भी नहीं सोचा, ये किसी का पाप है, क्या करोगे, अब कैसे इसे ज़िंदा रख पाएंगे हम लोग। तो बूढ़ा माली कहता है, अब देखो जो हो गया सो हो गया, अब क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उसकी औरत कहती है, देखो एक काम करो, जो हो गया हो गया, तुम एक काम करो, अब यहीं पर्स और चप्पल ये सब उठाओ और इस बच्चे को लेकर के बगल में कोतवाली है ना, कोतवाली चले जाओ और जाकर कोतवाल साहब को इस बच्चे को सुपुर्द कर दो और सारा बात बता देना। तो माली कहता, हाँ ठीक कहती हो तुम, मैं इस बच्चे को लेकर कोतवाल साहब को दे देता हूँ। फिर माली उस बच्चे को उठाता है, वो बैग लेता है, वो चप्पल सैंडल लेता है और ले करके कोतवाली की तरफ चल देता है। जैसे ही कोतवाली पहुंचने ही वाला था, 100 मीटर की दूरी रही होगी, तब तक इस सामने से एक मोटरसाइकिल आ रही थी और मोटरसाइकिल वाला उसके बगल में रुकता है, और वो दरअसल एक पुलिस वाला होता है जो यूपी के गाजीपुर ज़िला के गहमर का रहने वाला होता है, जिसका नाम होता है मनोज यादव, वो एक सिपाही था। वो बोलता है, बाबा इतनी रात को एक छोटे से बच्चे को लेकर के हाथ में पर्स और सैंडल लेकर कहाँ जा रहे हो? तो वो बोलता है, साहब मैं कोतवाली ही जा रहा था। सारी बात माली बताता है पुलिस वाले को, तो पुलिस वाले के आंख में आंसू आ जाते हैं, जो मनोज यादव होता है। वो कहता है, बाबा एक काम करो, इस बच्चे को मुझे दे दो, ये पर्स वगैरह सब मुझे दे दो, आप जाओ,
इतनी रात को आप आ रहे थे, मैं कोतवाली ही जा रहा हूँ, जा कर के दे दूँगा बच्चे को। जब ये बात सुनता है माली, वो पुलिस वाला था भी, वर्दी में था, उसको दे देता है बच्चे को और फिर अपने चला जाता है। ये पुलिस वाला जो मनोज यादव है, ये इस बच्चे को ले करके अपने क्वार्टर चला जाता है और जा करके क्वार्टर पे प्रतिज्ञा करता है कि हे ऊपर वाले, क्या लीला है तेरी, मैं जीवन भर शादी नहीं करूँगा और इस बच्चे का धर्म का बाप बनकर इसे बड़ा करूँगा, इसे शिक्षा दीक्षा दूँगा, एक अच्छा इंसान बनाऊँगा। ये बात जब वो प्रतिज्ञा करता है और उसके बाद धीरे धीरे समय गुजरता है और उसका ट्रांसफ़र हो जाता है वहाँ से मेरठ के लिए। मेरठ से तबादला हो जाता है तो वहाँ से मेरठ चला जाता है। लगभग 8 साल बीत जाते हैं, बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और बच्चा बड़ा जब हो जाता है तो ये स्कूल भेजने लगता है, स्कूल पढ़ने के लिए। और एक दिन की घटना है मेरठ में, जहाँ पे ये रह रहा था क्वार्टर लेकर के, उसके कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ा बंगला होता है, जिस बंगले में वहाँ की DSP साहिबा रहा करती थी। DSP का वो बंगला होता है, वहाँ पे कुछ नौकर चाकर होते हैं, एक माली होता है वहाँ पे, आपने देखा होगा जो बड़े फार्म हाउस होते हैं, बड़े लोगों का घर होता है, तो वहाँ पे फूल वगैरह के छोटे छोटे पौधे भी होते हैं। तो एक दिन ये मनोज यादव का जो धर्म का बेटा था, जिसका नाम मनोज यादव ने दीपक रखा था, दीपक खेलते खेलते उस बिल्डिंग उस मकान पे पहुंचता है और देखता है कि अंदर बड़ा सुंदर सुंदर फूल खिला हुआ है। तो वो गेट थोड़ा सा खुला होता है, वो गेट को धक्का देता है, खुल जाता है और अंदर जा करके 8 साल का प्यारा सा नन्हा सा बच्चा 2 फूल तोड़ लेता है। जैसे ही 2 फूल तोड़ता है, वैसे ही वो माली देख लेता है और दौड़ कर आता है और इसे गालियाँ देने लगता है और 2-4 चाटे जमा देता है, फिर इसको धक्का दे देता है। और जब धक्का देता है तो दीपक गिर पड़ता है और उसके सर पे चोट लग जाती है और खून बहने लगता है। वो रोते रोते अपने घर जाता है, अपने पापा के पास जा कर के जब ये बताता है तो उसके पापा शौक रह जाते हैं कि आखिर मेरे बेटे को चोट कैसे लगी। उसे पकड़ते हैं, उसे पूछते हैं कि देखो बेटा क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तेरे सर से चोट कैसे लगी, खून कैसे बह रहा है। तो दीपक सब कुछ बताता है तो मनोज यादव अपना होश खो देता है, अपने बच्चे को गोद में उठा करके ले करके उस मकान के पास आता है और आ करके ज़ोर से आवाज़ लगाता है, कोई है घर में, कौन है? तो माली ऊपर से टेरिस से देखता है और कहता है, क्या है, कौन हो तुम? और जब बच्चे को देखता है बोलता है कि भाग जाओ यहाँ से, ये बच्चा यहाँ पे अभी आया था, मैंने इसे मार के भगाया और तुम कौन हो, इसे लेकर के यहाँ पे चले आए? बोलता है, मैं इसका बाप हूँ और तुमने मेरे बच्चे को मारा कैसे, और मारा तो मारा, मेरे बच्चे को इतनी बुरी तरह से मार दिया कि इसका सर से खून निकल रहा है, क्या जुल्म किया था इसने? तो मालिक कहता है, ये बिना इजाज़त के अंदर घुस गया था और घुस करके 2 फूल तोड़ लिए, इसलिए मारा इसको, और तुम भी भाग जाओ नहीं तो मैं तुम्हें भी अभी नहीं छोड़ूंगा। तो बोलता है, अरे मैं पुलिस वाला हूँ, मुझे नहीं छोड़ेगा तू? और मेरे बच्चे को मार करके बहुत जो है हेकड़ी दिखा रहा है। तो जब मनोज ऐसा बोलता है, उसको दोनों में बहस हो जाती है। तो माली बोलता है, देख तू पुलिस वाला है ना, तेरी वर्दी उतरवा दूंगा, तुझे शायद पता नहीं मैं किसके घर का मालिक हूँ और एक घर किसका है। तो बोलता है, किसी का भी घर हो, बाहर निकल, आज मैं तुझे सबक सिखाता हूँ, मेरे बेटे को तूने ऐसे केवल 2 फूल तोड़ने के लिए इतनी बुरी तरह से मारा। माली नीचे आता है और ये मनोज जो है बच्चे को वहीं पे बगल में खड़ा करके जा करके उसको पिटाई करना शुरू कर देता है। जब पीटने लगता है, खूब आपस में मारपीट होने लगती है दोनों में, तब तक और घर के नौकर आ जाते हैं, मनोज को पकड़ लेते हैं। फिर तब तक बहुत मार दिया था इसने, माली को भी बहुत ज़बरदस्त मारा था मनोज ने। फिर DSP साहिबा को बुलाया जाता है कि आपके घर में ऐसा ऐसा कांड हो गया है, घर में एक पुलिस वाला आकर के मारपीट कर रहा है। DSP साहिबा फिर फौरन आती हैं रूम पे अपने मकान पे और आकर के जब सारा मैटर देखती हैं तो उनको भी दिमाग गर्म हो जाता है कि आखिर इस तरीके से तुम मेरे माली को मारने वाले कौन होते हो। तो वो पुलिस को इजाज़त देती है कि इसे बांध दो यहाँ पे इस पेड़ में और बांध करके इसे मारो, खूब मारो, और आज इसे सबक सिखाना ही होगा, पता चल जाएगा कि आखिर ये किसके घर में आकर के इस तरह से घुस करके मारपीट कर रहा है। DSP साहिबा जब उसे पुलिस को आदेश देकर मरवाना शुरू करती हैं, पुलिस वाले उसे बहुत मारते हैं, जब
तो उनका जो 8 साल का बच्चा होता है दीपक, ये DSP साहिबा की तरफ कभी देखता है, कभी अपने पापा को देखता है, मार रहे हैं लोग, तो जाता है और पुलिस वालों को पैर में गिरता है और कहता है मेरे पापा को छोड़ दो, मत मारो मेरे पापा को, छोड़ दो। लेकिन वो लोग, एक व्यक्ति क्या करता है, उस बच्चे को पकड़ लेता है एक पुलिस वाला, और पुलिस वाले मिलकर उसे खूब मारते होते हैं। फिर वो बच्चा दौड़ करके DSP साहिबा के पैरों में आकर गिड़गिड़ाकर रोने लगता है कि मैडम मुझे मेरे पापा को छोड़ दीजिए, मत मारिए मैडम, मैं आपके घर पर कभी नहीं आऊँगा, छोड़ दीजिए मैडम। लेकिन ये DSP साहिबा भी, आज इनका भी दिमाग गर्म था, ये उसको पिटवाती रहती हैं। फिर मनोज यादव जो होता है वो भी DSP साहिबा के चरणों में गिर जाता है और कहता है कि मुझे अपनी बात कहने का मौका तो दीजिए मैडम, हुआ क्या था पहले पूरी बात तो समझिए। फिर DSP साहिबा कहती हैं, देखती हैं कि बहुत मारपीट हो गई अब, तो फिर उस बच्चे को भी देखती हैं कि ये भी आकर के पैर में गिर करके गिड़गिड़ा रहा है, तो कहती हैं बोलो क्या बात है, क्या कहना चाहता है तू, कब से बोल रहा है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, सुन तो लीजिए। तो उसके बाद मनोज यादव DSP साहिबा के सामने हाथ जोड़ करके बोलता है कि मैडम, एक पूरी बात वो बताता है कि एक वो माली था, जब वो घटना पूरा क्रम बताता है कि एक माली ने मुझे इस बच्चे को दिया, दरअसल मैं इसका बाप नहीं हूँ, ये मेरा धर्म का बेटा है, और एक वो माली था और ये कि आपका माली है। अब ज़रा आप ही सोचिए कि कोई भी व्यक्ति 8 साल तक जिसे अपना कलेजा का टुकड़ा समझ करके पाला पोसा, उसे बड़ा किया, इसके पा करके मैंने प्रतिज्ञा किया कि मैं शादी नहीं करूँगा, और आज कोई इसको बिना किसी जुर्म के केवल 2 फूल तोड़ने के लिए इतनी बुरी तरह से मारता है कि इसका खून निकल जाता है, तो मैं क्या करता। अब आप ही सोचिए, अगर आप होती तो क्या करती। और ये माली है, ये माली आपका ऐसा काम किया, मैंने अपना होश खो दिया और इसको इसी वजह से मार रहा था, और कोई मेरा ना तो आपसे कोई दुश्मनी है, ना ही तो इस माली से कोई दुश्मनी है, बस इसी वजह से DSP साहिबा मैंने ऐसा किया। जब रो रो करके सारी सच्चाई बताता है वो DSP साहिबा को, तो DSP साहिबा की भी आँखें भर आती हैं और आँखों से आंसू की धार चलने लगती है। सब लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि आखिर ये DSP साहिबा को क्या हुआ, ये आखिर अचानक से इतने गुस्से में इतना सब कुछ, इन्होंने आदेश दिया, मनोज को मरवाया। मनोज भी आश्चर्यचकित कि DSP साहिबा क्यों रो रही हैं, और वो रोते रोते मनोज से कहती हैं कि मनोज मुझे माफ़ करना, मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो बहुत गलत किया, और जो तुमने कहानी सुनाई, इस कहानी में जो ये तुम बता रहे हो कि ये जो दीपक है ये तुम्हारा धर्म का बेटा है, लेकिन खून जो एक्चुअली जो ये दीपक है ये मेरा खून है, मेरी औलाद है, ये मैं इसकी माँ हूँ, असली माँ मैं हूँ। और ये कहते कहते वो दीपक को गले से लगा लेती हैं, उसको जो है कि बाहों में जकड़ लेती हैं, और फिर बहुत उसको किस करती हैं, फिर वो रोने लगती हैं, गिड़गिड़ाने लगती हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा खून है, ऐसा करके वो पूरी कहानी फिर वो मनोज को बताती हैं कि मनोज देखो ऐसा ऐसा है, इस तरीके से ऐसा ऐसा हुआ था, मैं बनारस गई थी वहाँ पढ़ने के लिए, फिर ऐसा कांड हुआ, मैंने भी शपथ लिया कि मैं जीवन में कभी शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा मर्दों से भरोसा उठ गया जब उसने धोखा दिया मुझे, मैं प्रेग्नेंट थी, 8 महीने का बच्चा मेरे पेट में था, ये दीपक। और उसके बाद जो भी घटना हुई थी वो सब कुछ मनोज यादव को बताती है, और फिर उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। मनोज जब सब कुछ समझ जाता है तो अपने बच्चे को जब ले करके दीपक को जाने लगता है, तो DSP साहिबा उसके सामने हाथ जोड़ करके पैरों पर घुटने टेक करके कहती हैं कि मनोज मेरा बेटा मुझे लौटा दो। तो मनोज कहता है कौन सा बेटा, कौन से बेटे की बात कर रही हैं आप, जिस बेटे को आप ही ने बताया कि नाले में फेंकने जा रही थी, जिस बेटे को आपका बाबा विश्वनाथ के काशी के धरती पे माली के घर छोड़ करके 6 दिन के बच्चे को, इतना पत्थर का कलेजा था, आप छोड़कर चली गई थी, वो तो आपके लिए मर ही गया था, किस बच्चे की बात कर रही हैं आप।
डीएसपी साहिबा पूरा उसके पैर को पकड़ कर गिड़गिड़ाने लगती हैं, रोने लगती हैं, मनोज समझो छोड़ दो, ये जिद छोड़ दो, मेरे बच्चे को मेरे हवाले कर दो। जब रोने गिड़गिड़ाने लगती हैं लेकिन मनोज कहता है, नहीं डीएसपी साहिबा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरा इसके सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं है। आठ साल से इसको मैंने सेवा करके अपना पूरा जीवन इसी के लिए दे दिया है, ऐसी बातें मत करिए डीएसपी साहिबा, मुझे जाने दीजिए मेरे बच्चे के साथ। लेकिन डीएसपी साहिबा कहती हैं, नहीं, अगर तुम चले गए, मेरे बच्चे को नहीं दिए, तो मैं यहीं पर अपनी बंदूक से खुद को गोली मार के मर जाऊंगी। जब ये बात मनोज सुनता है तो पीछे मुड़ता है और मुड़ करके कहता है, डीएसपी साहिबा, मुझे इतने धर्म संकट में क्यों डाल रहे हैं आप, ये जिद छोड़ दीजिए, ऐसा मत करिए। लेकिन डीएसपी साहिबा नहीं मानती हैं और अपने रिवाल्वर को निकालती हैं और अपने सर पे जैसे ही सटा करके गोली मारने जा रही होती हैं, तैसे ही मनोज उनकी बंदूक को ऊपर कर देता है और आकाश में गोली चल जाती है। फिर कहानी कहती है कि आगे ये दोनों लोग अपनी अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ते हैं और प्रतिज्ञा तोड़ करके साथ रहने लगते हैं और फिर शादी कर लेते हैं। और फिर हंसी खुशी उस प्यारे से नन्हे से बच्चे जो दीपक था उसके साथ मिलकर के अपना जीवन बिताने लगते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, कैसी लगी आज की ये इमोशनल स्टोरी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और आप लोगों से एक और प्यारी सी स्टोरी में मिलूँगा अगले रविवार को, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आप लोगों ने मुझे इतना अपना समय दिया इसके लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।